हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, पढ़ाई हम लोगों का ऑनलाइन हो रहा है। सो स्टूडेंट, तो चलिए आज का जो क्लासेस है वो हम लोगों का 8 तक का कंप्लीट हो गया था। सो स्टूडेंट, आज जो भी हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट है वो विशेषकर उनके लिए है, और आज से क्लास 9 का लेसन 1 शुरू हो गया है। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सो हमारे जो कंप्यूटर चैनल का नाम है कंप्यूटर edu.kundan क्लास 9 सेक्शन ए बी लेसन 1। सो स्टूडेंट, फटाफट कंप्यूटर सीखे, वो भी यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, सो जहाँ तक पता है कि हम मेरा जो है एक कंप्यूटर चैनल है, उसमें आप जा करके प्लेलिस्ट के अंदर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। जो भी आपके जो नीचे स्टूडेंट है जैसे क्लास 4-5, उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सारा क्लास 4 से लेकर के क्लास 9 तक का वीडियो बन रहा है, और आगे भी वीडियो बनेगा 10 तक, ठीक है स्टूडेंट। तो और जो भी हम आपको लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, हमारा 6200390793 नंबर है, इस पे आप आंसर भी करेंगे। आपको आंसर का जो भी करेक्ट आंसर है उसको फोटो खींच करके आपको व्हाट्सअप कर लेना है, क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों को पता है और क्लास 4 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये सब सारा चीज हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो गया है। सो स्टूडेंट, जहां नहीं हुआ है आप लोगों का, तो आप जो है हमारे चैनल में जा करके क्लास 4 से लेकर के क्लास 8-9 तक का वीडियो आप शुरू से देख सकते हैं। जेवियर ग्रुप में देखिए, सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हुए हैं वो है कंप्यूटर की संकल्पना। तो सो स्टूडेंट, ये लेसन 1 है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, थोड़ा पढ़ते हैं। और चलिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर गणना कर सकता है, कंप्यूटर स्वतः निर्णय ले सकता है, कंप्यूटर डाटा को संचित करता है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पता चला कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये खाना नहीं खाता, दाल चीनी चावल, ये हम लोगों के मनुष्य की तरह नहीं है, ये इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है। और कंप्यूटर क्या कर सकता है, गणना कर सकता है, कंप्यूटर स्वतः निर्णय ले सकता है, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल कंप्यूटर में है स्टूडेंट। और कंप्यूटर जो है डाटा को संचित भी कर सकता है, यानी संचित मतलब होता है स्टोर करना, जो भी हम लोग डाटा इसमें डालेंगे वो डाटा वो स्टोर करने का भी फैसिलिटी कंप्यूटर्स में अवेलेबल रहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आइए देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, क्लियर, वह स्वयं कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर है रखा हुआ है, कंप्यूटर जब तक आप ऑन नहीं करोगे तो ऑन भी तो नहीं होगा, ये ऑन तो हम लोग करते हैं। कंप्यूटर्स में कैलकुलेशन भी करनी पड़ती, तो डाटा हमको देना पड़ता है। कंप्यूटर स्वतः कोई काम नहीं करता, बट वो हम लोगों का निर्देश का पालन करता है, वो इंतजार करता है कि हम उसे कौन सा वैल्यू डाले, उसके हिसाब से वो काम करता है, क्लियर। जो भी निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हो उनके अनुसार कंप्यूटर गणना करके आउटपुट देता है, क्लियर। अभी हमने बोला था, वो भी डाउट क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं कि जैसे हम लोग ये कंप्यूटर में इनपुट के कीबोर्ड्स के जरिए, और ये सीपीयू हमारा प्रोसेस करके और ये आउटपुट दे देता है, क्लियर स्टूडेंट। तो कंप्यूटर स्वतः तीन वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आइए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं तो हम उसे वह निर्देश इनपुट कहते हैं, यानी कोई भी वैल्यू डालते हैं, कीबोर्ड से डालिए या माउस के थ्रू डालिए, तो वो कंप्यूटर्स में हम लोग क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं। माउस और कीबोर्ड सर्वाधिक प्रचलित इनपुट डिवाइस है, क्लियर। क्या आप जानते हैं इनपुट डिवाइस की अनुपस्थिति में हम कंप्यूटर तक कोई निर्देश नहीं पहुंचा सकते, करेक्ट है। आइए आउटपुट डिवाइस क्या है स्टूडेंट। आउटपुट डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर पर किए गए कार्य, यानी जो भी हम लोग उस पर कार्य किए हैं उसको हमको देखने का काम करता है ये। हम कंप्यूटर पर किए गए कार्य को आउटपुट देख सकते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर के अतिरिक्त हेडफोन और स्पीकर के भी थ्रू आउटपुट डिवाइस सुन सकते हैं हम लोग, क्लियर। प्रोसेसिंग क्या है, तो ये देखिए आउटपुट डिवाइस यहाँ दिखाए गए, सो आप देख रहे हैं मॉनिटर है, प्रिंटर है और ये स्पीकर है, क्लियर। प्रोसेसिंग क्या है स्टूडेंट, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश के अनुसार सीपीयू में डाटा की प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू कंप्यूटर के मस्तिष्क के समान है, इसकी तीन यूनिट होती है। तो पहला कौन सा है, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट निम्न प्रकार से कार्य करती है, आइए उसके बाद अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या होता है उसके बारे में बताया गया। जोड़ घटाव गुना भाग तथा लॉजिकल ऑपरेशन, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप यहाँ पे यदि सभी गणनाएं सीपीयू के इसी भाग में की जाती है,
कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू के कुछ भाग में इनपुट आउटपुट मेमोरी यूनिट और प्रोसेसर के कार्यकलापों का नियंत्रण रखा जाता है, कार्यकलापों पर नियंत्रण रखा जाता है। तो सीपीयू ही इसके अंदर कंट्रोल करता है, जो भी आप डाटा डालते हैं वो पहले सीपीयू उसको कंट्रोल करता है, फिर प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट देती है। और मेन मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की यह मेमोरी प्रोसेसर को डाटा पहुंचाती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सूचनाएं कुछ समय के लिए रखी जाती है, जैसे कि आपको बताएंगे रैम रोम जो है हमारा मेन मेमोरी होता है, जब आप डाटा डालते हैं तो वो रैम पे जाता है और वहां पर ही कंट्रोल करके उसको अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कैलकुलेट करती है, तब जाकर के आउटपुट देती है। जब आप सेव करोगे तब जाके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, उससे पहले वो स्टोर नहीं होता है, तब तक वो रैम रोम पे ही रहता है। तो जैसे यहाँ पे हमेशा के लिए डाटा संचित करने के लिए है, तो फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है, हार्ड डिस्क है, हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, इनमें डाटा स्थायी रूप से रहता है। बट आप सेव करोगे तब ये सब में जाएगा, नहीं तो इससे पहले जो आप डाटा डाले हैं वो हार्ड डिस्क में नहीं रहता, वो सबसे पहले रैम और रोम में जाती है। तो रैम क्या है? रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ही आता है। इसमें डाटा कुछ समय के लिए कुछ संचित किया जाता है, यह अस्थाई है, हमेशा के लिए नहीं रहता, जब आप डाटा इनपुट करेंगे तो रैम में ही रहेगा। रीड ऑनली मेमोरी अस्थाई मेमोरी होती है, इसे संचित डाटा बदला नहीं जा सकता। जो ये क्या होता है ना रोम, और जिस समय हमारा प्रोग्रामिंग सीपीयू बनाई जाती है, मदरबोर्ड बनाया जाता है, उसी समय रोम प्रोग्रामिंग करके डाल दिया जाता है, ना डाटा इसमें जाता है ना इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी इसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल दिया जाता है, बट ये भी हमारा एक मेमोरी है। और ये है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो यह प्रक्रिया तीन भागों में विभक्त होती है। तो इनपुट क्या है? कंप्यूटर की दी गई सूचना व निर्देश, इसको इनपुट कहते हैं। प्रोसेसिंग क्या है? सीपीयू इन सूचनाओं को निर्देशानुसार कार्य करता है और आउटपुट देता है। और आउटपुट क्या है? कंप्यूटर से प्रोसेसिंग के बाद जो मिला डाटा जो दिखता है हम लोगों को, उसको आउटपुट कहते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे देखिए क्या किया गया, नीचे दिए उदाहरण के लिए प्रक्रिया समझाया गया है कि इनपुट जैसे डाटा 10.7 निर्देश 10 व 7 का योग बताइए, 10 और 7 का यानी कैलकुलेशन किया है, तो प्रोसेसिंग में क्या हुआ, दोनों अंकों का योग बताइए और उसके बाद रिजल्ट 10+7 कितना हो गया 17 करके सिखाइए। आइए, अनु एक केक बना रही है, नीचे दिए गए चित्रों को सही शब्दावली से मिलाइए। तो सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इनपुट क्या है और यहाँ पे आउटपुट क्या है और ये क्या है हमारा प्रोसेसिंग। तो क्या ये उल्टा पुल्टा है? बिल्कुल है। तो ये है हमारा इनपुट और ये है हमारा प्रोसेसिंग और ये हमारा केक जब बन गया तो ये आउटपुट। तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है शब्दावली से मिलाइए। तो प्रोसेसिंग क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्रोसेसिंग है। इनपुट क्या है? ये है, इसको यहाँ पे इनपुट मिलाइए और आउटपुट ये हमारा केक हो गया। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, आई होप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको मजा आया होगा। और भी आप अपने जितने भी क्लासेस के स्टूडेंट हैं उसको बिल्कुल बताइए। YouTube फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस में आपका लेशन वाइज आज क्लास 9 का क्लास शुरू हो गया है। सो स्टूडेंट आप अपने जो भी अपने सहपाठी अपने फ्रेंड्स सबको अपना ये लिंक वगैरह भेज सकते हैं या उसको आप बता सकते हैं, फोन करके भी बता सकते हैं स्टूडेंट। चलिए तो आइए मेमोरी बाइट्स के बारे में जानेंगे। और जो भी आपको डाउट लगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है 6200390793, इस पे नंबर पे आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं हमसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए कंप्यूटर के विविध पुर्जों को इनपुट व आउटपुट उपकरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इनपुट डिवाइस से कंप्यूटर को सूचना और निर्देश दिए जाते हैं। आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रोसेसिंग के बाद जो मिला डाटा उसको आउटपुट करते हैं। सीपीयू में सूचनाओं के निर्देशानुसार कार्य करके रिजल्ट दिया जाता है। और सीपीयू के मुख्य तीन भाग हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। ये तीन भाग है, एग्जामिनेशन में ये सब आ सकता है। तो ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड इस तरह से आता है, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लेंगे। ओके आइए, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट देखिए आपके क्वेश्चंस वगैरह आ गए, आपको क्या करना है ये सब सारे क्वेश्चंस को, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है ठीक है, इसके क्वेश्चंस को आप बनाएंगे कॉपी में और कॉपी में फोटो खींच के इस नंबर पे आप हमें सेंड करेंगे, हम आपका चेक करेंगे क्लियर। और ये मैचिंग है और ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस में आपको ये बनाना है। तो आई होप स्टूडेंट मजा आया होगा। ये है फिल इन द ब्लैंक्स और ये है ट्रू फॉल्स, क्लियर स्टूडेंट। ये सब सारे क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे और इसको बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी को इसको याद रखिए, अपने कॉपी में लिखिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ही मजा आया होगा और भी अपने लोग फ्रेंड लोगों को बोलिए। सो स्टूडेंट चलिए इसी तरीके से कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट ना समझ में आए तो हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, आप उस पर कॉल करके इन्फॉर्म कर लीजिए। और भी डाउट क्लियर हो, जो भी तरह का डाउट हो सारा क्लियर हो जाएगा।
चलिए, तो थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स, तो फिर मिलेंगे हम आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो फिर लाएंगे। चलिए, ओके बाय।